नमस्कार। तो आज अपन नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नैलको स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। नैलको के अंदर फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़ी मूव जनरेट हो पाई थी क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने 4-5% की तेज़ी बनाई थी। वॉल्यूम भी काफ़ी बेहतरीन आए थे, इससे वॉल्यूम के स्टॉक के अंदर डिमांड भी बढ़ी और तेज़ी बनी क्योंकि स्टॉक में देख सके एक अच्छा जो रेजिस्टेंस है वो 225 पे है क्योंकि यहाँ पे 225 के रेजिस्टेंस को स्टॉक ने यहाँ पे पहले ही रेजिस्टेंस लिया था। अगर वो रेजिस्टेंस जो है 225 का ब्रेक होता है तो वॉल्यूम थोड़े अच्छे चाहिए, वॉल्यूम अच्छे रहेंगे तो ब्रेकआउट मिल सकता है यहाँ पे नैलको के लिए। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक में और ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बनेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि न्यूज़ भी देखी जाए नैलको के लिए तो रिसेंटली कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है, पर मेटल सेक्टर में फिर से एक रिकवरी देखने को मिले जहाँ पे नैलको स्टॉक ने 4-5% की तेज़ी फ्राइडे के दिन देखने को मिले। 225 लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, उसको ब्रेकआउट मिलेगा तो और तेज़ी बन सकती है।